Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. Hello बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे. वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है पिंकी सिंगल और हम कर रहे हैं फोनिक्स. और फोनिक्स में बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करने जा रहे हैं. वो है हमारा एस और ई एस का साउंड. फाइन, आप बोलेंगे एस तो बहुत इजी है. हाँ बिल्कुल इजी है अगर वो स्टार्टिंग में है, और अगर वो लास्ट में है तो वो क्या क्या साउंड देगा वो देखते हैं हम. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम करेंगे एस और ई एस का साउंड. फाइन, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एस अगर स्टार्टिंग में है, जैसे ख आई स्काई, तो स का साउंड देता है स. ओके, और क्या हो गया स ल ए स्लेट. फाइन, स्ल स्ल स का साउंड होगा. तो एस अगर स्टार्टिंग में है तो हमें स का साउंड सुनाई देता है. फाइन, अब अगर वो लास्ट में है तो वो क्या क्या साउंड देगा वो देखते हैं. तो इसमें आप देखिए, मैंने इनको दो कैटेगरीज में बांटा है, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड. वॉइस्ड हमारे कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और अनवॉइस्ड कौन से होते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वॉइस्ड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और अनवॉइस्ड कौन से होते हैं, और हमारे जो वॉवल्स हैं वो क्या हैं, वो वॉइस्ड है अनवॉइस्ड है. हमारे डिफ्थोंग वो कौन कौन से डिफ्थोंग्स हैं हमारे, या कौन कौन से डायग्राफ हैं जो वॉइस्ड है अनवॉइस्ड है. तो उसके लिए आपको पहले वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको आराम से कर पाएंगे. एस के साउंड को आप तभी समझ पाएंगे जब आप समझेंगे कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और अनवॉइस्ड कौन से होते हैं. उसी तरह डायग्राफ्स डिफ्थोंग्स वो क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं कि अनवॉइस्ड होते हैं. तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा. उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि एस का जो साउंड है वो लास्ट में क्या साउंड देता है. एस जो है हमारा वो लास्ट में क्या साउंड देता है. ठीक है, तो उसके लिए देखिए, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड मैंने दो कैटेगरी में रखा है और इन्हें भी दो कैटेगरी में रखा है बेटा. ये पहले जो हमारे हैं ये है हमारे नाउन. क्या है हमारे नाउन है. ठीक है, नाउन में बेटा हम सिंगुलर प्लुरल करते हैं ना. ओके, और ये है हमारे वर्ब. वर्ब में एस कब लगाते हैं बेटा, वर्ब में एस कब लगाते हैं, जब हम उसको सिंगुलर करते हैं. जब हम लिखते हैं ही वॉक्स, ही वॉक नहीं लिखते. ठीक है, ही इज सिंगुलर, तो वॉक के पीछे एस लगाने से वो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाती है. ओके फाइन, तो ये आपने मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में. अब इनके पीछे एस लगता है तो ये कैसे वर्क करता है वो देखते. सबसे पहले नाउन है हमारा डॉग. डॉग ग ग ग ग ग, तो आपके गले से आवाज देखिए यहां आपको महसूस होगा ग ग ग, यहां आपको वाइब्रेशन आएगी. तो ग ग ग ग ग क्या है आपका, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है. तो अगर ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, ये कौन सा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, यानी जी अगर आपका वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो एस आपको ज का साउंड देगा, ज ज ज का साउंड देगा. फाइन, तो ये डॉग का डॉग्स होता है, डॉग स नहीं होता, स नहीं होता, डॉग्स होता है. फाइन, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये भी हमारा नाउन है. तो पेन, न न न आप बोलेंगे तो आपको यहाँ वाइब्रेशन महसूस होगा. तो एन क्या है, एन हमारा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है. तो अगर ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे अगर एस आएगा तो वो बोलेगा ज ज ज, यानी पेन्स. पेन स नहीं होता, स नहीं होता, पेन्स. ओके, और डॉग का डॉग्स नहीं होता, डॉग्स होता है. फाइन, तो ये है हमारा वॉइस्ड का कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा जहां पे एस से पहले अगर वो वॉइस्ड है, एस से पहले अगर वॉइस्ड है तो आपको ज का साउंड देगा. ठीक है, उसी तरह से नाउन है हमारे. नाउन क्या है, रन, दौड़ना. ओके, हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है ये, दौड़ना, रन. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आई रन और ही रन्स. ओके, ही सिंगुलर हो गया तो उसके वर्ब के पीछे हमें एस लगाना पड़ता है. ओके, उसको सिंगुलर बनाने के लिए. तो ही रन्स अगर लिखेंगे तो क्या, रन्स, इज इट राइट, नो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रन्स, इट्स रन्स. ओके फाइन, क्योंकि एन जो है
वो एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, इट्स अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, ओके। और जब इसके पीछे एस लगेगा, वॉइस्ड के पीछे जब भी एस लगेगा तो वो ज का साउंड देगा। तो ये इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, र रन्स, ओके। अब याद रखिए कि वर्ब के पीछे जब वो एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, ये हमारे नाउन से उल्टा होता है। नाउन में क्या होता है, एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, फाइन, ओके। उसके बाद सिंग, ओके, ये भी हमारी एक वर्ब है, सिंग, सिंग, सैंग, संग, ओके। पर जब हम बनाते हैं आई सिंग और फिर बोलते हैं शी सिंग्स, सिंगुलर के लिए एस लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंग आएगा कि स आएगा, क्योंकि यहाँ पे का साउंड है। तो देखिए यहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, तो ये हमारा एक वॉइस्ड है, ठीक है। एनजी का साउंड क्या है, हमारा वॉइस्ड है, तो वॉइस्ड है, और एस लगा रहे हैं हम तो सिंग्स बोलेंगे, राइट, ओके। तो ये था हमारा वॉइस्ड का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी नाउन के पीछे एस लगता है और उससे पहले, एस से पहले अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो वो ज का साउंड देगा, जैसे डॉग्स, पेंस। और वर्ड में भी, वर्ड में भी अगर वॉइस्ड है, एस से पहले वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है तो वो ज का साउंड देगा, और अगर उसी तरह से ये देखे वॉइस्ड है तो सिंग्स बोलेगा, ओके। ये है हमारा वॉइस्ड का कॉन्सेप्ट, जबकि एस वॉइस्ड, एस से पहले अगर वॉइस्ड है तो वो ज का साउंड देगा, राइट। अब देखते हैं अनवॉइस्ड, अनवॉइस्ड क्या होता है बेटा, जिसको बोलने में हमारे गले में कंपन नहीं होता, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता है, राइट। जैसे फॉर ख ख ख ख, तो ये मुंह से ब्लो कर दे, क क क, गले से नहीं, राइट। तो फॉर क क क, तो क साउंड हमारा अनवॉइस्ड है, राइट। तो फॉर ख क क, लास्ट साउंड है हमारा क क क, हमारा अनवॉइस्ड है। तो जब हमारा ये होता है अनवॉइस्ड, तो एस को स प्रोनाउंस करते हैं, एस को, इसका साउंड क्या होता है, स स, जैसे फॉर्क, फॉर्क्स, फॉर्क ज, ज, ज नहीं आएगा, फॉर्क स आएगा, राइट। उसी तरह से देखिए क, ट हमारा अनवॉइस्ड, ट ट, ओके, ट हमारा अनवॉइस्ड है, तो इसीलिए हम इसको, इसके बाद अगर एस आता है, यानी अनवॉइस्ड है, अनवॉइस्ड के बाद अगर एस आता है तो वो स का ही साउंड देगा, यानी अगर अनवॉइस्ड के साथ है तो स का साउंड देगा, और अगर वॉइस्ड के साथ है तो ज का साउंड देगा, ओके, ज, और यहां पे स, स का साउंड, वॉइस के साथ ज, अनवॉइस के साथ स का साउंड, ओके। अब वर्ड्स देख लीजिए, फॉर्क, फॉर्क्स, कैट, कैट्स, कैट्स तो नहीं बोलते हम, हैं। उसके बाद देखिए वॉक, अब ये वर्ब हो गई, अब ये है हमारी प्लूरल वर्ब होती है वॉक, क्योंकि हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लिखते हैं, और जितने प्लूरल्स होते हैं उसके साथ हम लिखते हैं वॉक, फाइन। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ क्या लिखते हैं, वॉक्स, तो जब भी वर्ब के पीछे एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, फाइन, सिंगुलर हो जाता है। तो इसी तरह से बार्क, बार्क्स, वर्क्स, फाइन, क्यों, क्योंकि के, क, 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 ये दोनों हमारे अनवॉइस्ड है, दोनों हमारे अनवॉइस्ड है, तो ये अनवॉइस्ड है, इसके पीछे जब एस लगाएंगे तो वो स का साउंड देगा, ज का नहीं, फाइन। तो वॉक, वॉक्स होता है, नहीं, वॉक्स होता है, बार्क, बार्क्स, ठीक है। तो अभी हमने किया हमारे एस का एक साउंड, फर्स्ट साउंड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो लास्ट में, नाउन के लास्ट में लगे वॉइस्ड के साथ तो ज बोलेगा, नाउन के लास्ट में अगर अनवॉइस्ड के साथ लग रहा है तो स बोलेगा। उसी तरह से वर्ब्स में अगर वॉइस्ड के पीछे लगेगा तो ज बोलेगा, उसी तरह से वर्ब में अगर अनवॉइस्ड के पीछे होगा तो स बोलेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट, कि एस अगर नाउन के पीछे एस आता है और नाउन के वर्ब्स के पीछे एस आता है तो हमें वहां पे उसको
स पढ़ना है या ज पढ़ना है, ठीक है। आगे उसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक इन वर्ड्स को अच्छे से ऐसे ऐसे वर्ड्स देखिए बेटा, आपको पता चलेगा वर्ब्स के पीछे एस लग रहा है तो वहां पे वॉइस्ड अनवॉइस्ड का कॉन्सेप्ट को आप चेक करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।